अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चटपटा चना मसाला। ये पाव किलो चना है, इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगा कर रखी थी। इसको मैं डालूंगी कुकर में। अभी हम इसमें डालेंगे 1 छिला हुआ आलू, उबालने के लिए 1 गिलास पानी। कुकर को ढक्कन लगाकर इसे हमें 4 सीटी लेना है। 4 सीटी हो चुकी है, चने और आलू दोनों ही गल चुके हैं। अभी मैं इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लूंगी। चने बघारने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डालकर रखी हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद के हिसाब से। इसे थोड़ा सा भून लूंगी। भूनकर हो चुका है, अब मैं इसमें उबले हुए चने डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाला चने में अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी मैं गैस को बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। चने में मैं डालूंगी 1 छोटा कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा स्पून चाट मसाला, आधा नींबू को मैं निचोड़ लूंगी। बारीक कटी हुई कोथमीर, अभी मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए आलू, इसको हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटपटा चना बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, आप जरूर ट्राई करना। चना अच्छे से मिक्स हो चुका है, माशाल्लाह चटपटा चना मसाला बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना चटपटा चना मसाला कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।